श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। हे बाल गणेश, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। आप आ गए स्वामी, प्रसाद। रानी इंदुमती, हमें तो ये समझ नहीं आता कि हम जैसे रूपवान पति को छोड़कर आपका मन इस मोटी तोंद और लंबी नाक वाले में कैसे लगता है। हम राजा चित्रंगद है, हमारे जैसा कोई रूपवान राजन मैं। हम शिकार करने जा रहे हैं जंगल में। हे बाल गणेश, इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपा करके अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। सही कहा अगम, नंदी को जब देखो तब गुस्सा आ जाता है। कितना गुस्सैल है वो, और गुस्से में उसकी शक्ल एकदम भयानक हो जाती है। अरे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डर जाएं उसकी डरावनी शक्ल देखकर। क्या? अरे नहीं, अकेले नहीं, हम दोनों मिलके नंदी को ऐसा सबक सिखाएंगे वो रोज हमें इसी तरह से मालिश करेगा। अरे सेवक, इतनी जोर से नहीं, धीरे धीरे। क्या तुम्हारे शरीर में नंदी की आत्मा आ गई है क्या? वो तो हम तो मैं डराने की चीज हूँ, अब तुम दोनों को डराता हूँ मैं। रुक, तेरा निकालता हूँ। अरे नंदी, क्या हुआ तुम्हें? इतने चिंतित क्यों हो? क्या फिर से तुम्हें अगम और बगम ने परेशान किया? नहीं प्रभु, अगम और बगम से मैं परेशान नहीं हूँ, इनको ठीक करना मुझे आता है। मैं परेशान हूँ राजा चित्रंगद से। प्रभु, वो हमेशा आपके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। आप कुछ कीजिए प्रभु, आपको तो पता ही है रानी इंदुमती आपकी कितनी बड़ी भक्त है। शांत नंदी, शांत। राजा चित्रंगद का रूप ही उसे धर्म संकट में डाल देगा। सामने आओ। लो, मैं सामने आ गई, बोलो। ओ, मैं शिकार यहाँ फंस गया। महल जाने का रास्ता बताएंगी आप? राजा चित्रंगद हो ना तुम, रूप के धनवान। सोचती हूँ तुमसे शादी कर लूं, फिर हम दोनों मिलके शिकार करेंगे और गुम होने की समस्या ही खत्म, क्योंकि ये जंगल मेरा है, यहाँ की हर चीज मेरी गुलाम है। ये तो राक्षसनी का जंगल है और महाराज तो अंदर घोर जंगल में चले गए हैं। हमें रानी को बताना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा।
शादी को राक्षसनी ने। नहीं, नहीं, मुझे प्रभु से मदद मांगनी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। कुरुमदेव, ओहो प्रभु, ये श्लोक कितने कठिन हैं। मूषक, श्लोक कठिन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कठिन है। प्रभु, प्रभु, प्रभु। अरे नंदी, क्या हुआ? राजा चित्रंगत को राक्षसनी ने पकड़ लिया है और उससे विवाह करना चाहती है, और यदि राजा ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। आखिर राजा के इस रूपवान शरीर ने उसे धर्म संकट में डाल ही दिया। चलो मूषक, आज की पढ़ाई खत्म। चलो आज उस राक्षसिनी को पाठ पढ़ाते हैं। मान जाओ राजा, शादी कर लो मुझसे। ये तेल तुम्हें मार डालेगा और फिर लोग मुझे ही बदनाम करेंगे कि मैंने तुम्हें मारा। बड़ी जल्दी है तुम्हें विवाह करने की राक्षसिनी। तुम लोग कौन हो? अच्छा, पंडित हो, मेरी शादी करवाने आए हो। राक्षसिनी, राजा को छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे? मुझसे तो दुनिया डरती है और तुम मुझे डराने चले हो। मत भूलो, ये मेरा जंगल है और यहाँ मेरा राज है। यहाँ की पत्तियाँ भी मेरी दासी हैं। चलो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने करने आया हूँ। पकड़ लो इन सबको और मार डालो। देखा तुम्हारे साथियों का क्या हाल किया मैंने? तुम्हारी इच्छा तो बहुत हो रही होगी मुझे मारने की, मुझे डराने की। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम मुझे मारो, मुझे डराओ। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं राक्षसिनी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तथास्तु। क्या 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 तथास्तु? डराने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ इस पृथ्वी पर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। चली जाओ और वापस कभी मत आना। बाल गणेश, मुझे माफ कर दो। मैं अपने सौंदर्य में इतना पागल हो गया था कि मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु, मैंने आपको भी भला बुरा कहा, मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दो। प्रभु, क्षमा कर दो।
बाल गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पति की जान बचाई। बाल गणेश, मैं हमेशा रानी को टोकता था आपकी पूजा करने से, लेकिन आज इसकी श्रद्धा की वजह से ही मेरी जान बची है। आज के बाद सिर्फ रानी ही नहीं, रोज हम दोनों आपकी पूजा करेंगे। राजा, मुझे खुशी है कि अब तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड नहीं है। तुम्हारी पत्नी के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप तुम आज सकुशल निकल पाए हो। रुक जा गम, पिछली बार क्या हुआ था तुझे याद है ना? अगर नंदी को फिर से गुस्सा आ गया तो तुझे ऐसी मार मारेगा कि तू जो टूटा फूटा बोलता है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तुझे मजा आ रहा है? अरे मजा सजा में बदल जाएगी। मुझे सामने आए, यहाँ नीचे नीचे। वो गलती से आपको लग गई, क्षमा करें। मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अरे मूषक, तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं प्रभु, मैं भी नहीं जानता ये कौन है। चंचलासुर, चंचलासुर नाम है मेरा, और तूने मुझे जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है मूर्ख। मैं तुझे यही मार दूंगा। चंचलासुर। अरे ये भी कोई नाम हुआ, चंचलासुर। तेरा ये दुस्साहस, तू है कौन? मैं हूँ बाल गणेश। चलो अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। शुरुआत तुमसे ही करता हूँ और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मार के कैलाश पर राज करूँगा। चंचलासुर, पहले मुझसे तो निपट, फिर मेरे पिता के पास जाना। अरे बालक, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पहले अपनी ताकत और मेरी ताकत तो देख। देखा मेरी ताकत का पराक्रम? चंचलासुर, अगर यही ताकत तुम लोगों की भलाई में लगाते तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो जाता। तू मेरा उद्धार करेगा? मारो मारो, मेरी अंतर इच्छा है कि तुम मुझे मारो। चंचला। अरे रे। क्या क्या हुआ? चंचला, तू तो गया। चंचला सुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तथास्तु। आ, 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 आ,
भैया, इसे यही मार देते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई बाल गणेश को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक तो है बाल गणेश? नंदी, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। जी प्रभु। प्रभु मुझे नीचे उतारिए। आओ मुशक, आओ। प्रभु बहुत भूख लगी है, चलो ना घर जाके माँ के हाथों के मोदक खाएं। मोदक? चलो। अरे मेरे लिए रुको। अरे अगम, कितनी बार कहा है नंदी को गुस्सा मत दिला, पर तू मेरी बात सुनता कहा है? अब लटके रहो यहाँ पर। क्या ऐसी बोल रहा है? बोलो बाल गणेश जी, बचाओ हमें। महादेव, प्रभु नंदी जो कह रहा है क्या वो सत्य है? आपने सत्य सुना है पार्वती, हम सभी मिनास पर्वत पर रहने जा रहे हैं। कारण? बोलिए ना महादेव, क्या है इसका कारण? कारण है ऋषि दर्शन को दिया हुआ वचन। वचन? कैसा वचन पिताजी? दर्शन ऋषि और उनके साथी गुरुजनों को लगता है कि हमारे यहाँ होने से वक्रासुर उन पर और ऋषिगणों पर आक्रमण करता है, उनके तप में बाधाएं डालता है। इसी कारण उन्होंने मुझसे यहाँ से चले जाने का वचन लिया है। ये क्या बात हुई, ये तो भक्षक के बजाय रक्षक को ही दंड देना हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपना घर छोड़ना होगा। माँ आप ये सब छोड़िए और मेरे पेट पर ध्यान दीजिए, मोदक खिलाइए जल्दी से, बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। यात्रा? कौन सी यात्रा? मिनस पर्वत पर घर बनाना है तो उचित स्थान खोजने जाना होगा ना माँ, है ना पिताजी? तुम बड़े नटखट और शरारती हो गए हो बाल गणेश। ये तो कुछ नहीं पिताजी, असली शरारत तो अभी बाकी है। बाल गणेश आजकल तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो, अब की शरारत की बात कर रहे हो तुम? बच्चों की अपनी कुछ गुप्त बातें होती है पार्वती, जो गुप्त रहे तो अच्छा। क्यों गणेश? जाओ पुत्र, कार्य में सफल हो। भैया मिनस पर्वत पर पहुंचने के लिए मेरे पास एक मजेदार उपाय है, क्यों ना हम सब वहाँ दौड़ कर पहुँचे? जैसा तुम कहो छोटे, मैं तैयार हूँ। तो तय हुआ, मैं और तुम अपने अपने वाहनों पर जाएंगे, बाकी सब अपना हिसाब किताब देख ले। मेरे विचार से ये निर्णय उचित नहीं है प्रभु, सब थक जाएंगे। ये दो बातें बोल रहा है, पहली ये कि ये दौड़ने के लिए तैयार है, दूसरी ये कि नंदी इतना आलसी क्यों है। जी मत चुराओ नंदी महाराज, दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। काम हो गया? जी प्रभु। बहुत अच्छे। एक दो और तीन।
ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा छोटे, इस स्थान की खूबसूरती जल्दी इतिहास में लिखने जाने वाली है। माँ सही कह रही थी, तुम पहेलियों में बहुत बात करने लगे हो। नहीं, ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये कौन है छोटे? इस तरह आने वाला और घूर के देखने वाला दोस्त तो नहीं होगा, परंतु शत्रु अवश्य हो सकता है। शत्रु? क्या इन्हें पता नहीं जो हमसे टकराता है टूट पड़ो। सहायता करो प्रभु। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे। अरे वाह, ऐसे भी कोई लड़ाई जीती जा सकती है? लड़ाई ताकत और घमंड से नहीं, बुद्धि से जीती जाती है दोस्तों। छछंदरों से जीत कर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है बाल गणेश। तुम्हें क्या लगा बाल गणेश, मैं तुम्हें मीनस पर्वत की गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने दूंगा? कदापि नहीं, वो सारी सिद्धियां अब मेरी होंगी। स्वागत है तुम्हारा वक्रासुर, किंतु मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी जाल में फंस जाओगे। अर्थात? अर्थात ये असुर राज, मीनस पर्वत पर कोई अद्भुत शक्तियाँ नहीं है। मैंने ऐसा खेल तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए खेला था। पहेलियाँ मत बुझाओ गणेश, साफ साफ बोलो। तो सुनो बकरासुर, मैंने ही मूषक राज के हाथों दर्शन ऋषि को ये बात पहुँचाई थी कि मीनस पर्वत पर अद्भुत शक्तियाँ हैं जिन्हें मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। मुझे पता था ये सुनकर तुम यहाँ अवश्य आओगे। अब आ गए हो तो अपनी गलती की क्षमा मांग लो और लौट जाओ। क्षमा? और मैं? वो भी तुमसे? तुम सबको तो मैं चींटियों की तरह मसल दूंगा। आक्रमण! आक्रमण की तैयारी करो। रुक जाइए प्रभु, क्या आप हमें एक और अवसर नहीं देंगे? मैं वचन देता हूँ, इस बार युद्ध में हम बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है नंदी महाराज, यदि आप इनसे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। वैसे भी मेरा और भैया का भी आराम करने का मन है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या बोल रहा है बग्गम? मुझे लगता है ये तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है। तो इसे भी अकल आ ही गई। हाँ, देख क्या रहे हो तुम सब? आक्रमण करो, मार डालो सबको। शिव वाहन नंदी, वाहन का काम अपने मालिक को सैर करवाना होता है, लड़ना नहीं। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है, किंतु साक्षात यम के स्वरूप महादेव के वाहन नंदी से नहीं। Yeah.
ठीक तो हो? बहुत हुआ बच्चों का खेल। यदि हिम्मत है तो तुम दोनों भाई मुझसे लड़ो। दोनों से लड़ने की क्या आवश्यकता है राक्षस राज, मुझसे ही लड़के देख लो। तो आ, मुझे मार और जीत, नहीं तो मैं तुझे और तेरे साथ साथ तेरे भाई, मित्रों, पिता महादेव और माँ पार्वती सबको अपने पैरों से कुचलकर मार डालूंगा। आ, मार मुझे। क्या हुआ वक्रासुर भाई? तू तो गया। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। क्या छोटे, इस बार भी तुमने मुझे राक्षस को मारने का मौका नहीं दिया। मैं गुस्सा हूँ तुमसे। तुम्हें तो मैं मना लूंगा, बस माँ से कुछ मत कहना। मुझसे कुछ छुपाकर तुम जाओगे कहाँ बाल गणेश? माँ को अपनी संतान के बारे में सब पता चल जाता है, ऐसी जान मुश्किल में डालने की क्या आवश्यकता थी? माँ कान छोड़ो ना, उखड़ जाएगा। अपने अपराध की हम क्षमा मांगते हैं महादेव। हम गलती कर बैठे थे जो अपने रक्षक प्रभु के बजाय भक्षक राक्षस की बातों में आ गए। ये तो बाल गणेश है जिन्होंने हमारे हाथों पाप होने से रोक लिया। एक बात हमेशा याद रखिए ऋषिवर, लोमड़ी, सांप और बुरे व्यक्ति का कभी विश्वास मत कीजिए। अवसर मिलते ही ये सब मृत्यु का कारण बनते हैं। आप तो ज्ञान के भंडार हैं बाल गणेश। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। मूषक, नंदी, ब्रिंगी, अगम, बगम, सभी दम लगाकर दौड़ो। जो जीतेगा उसे मैं प्रतिदिन 5 लड्डू दूंगा। दौड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी अगम? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके रहते हैं। सही पकड़ा है तुमने नंदी। मैंने भी सही पकड़ा है इसे। ये तूने सही नहीं किया दुष्टासुर, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम? ये तो तुम्हें बग्गम भी बताएगा। शांत बग्गम, शांत। प्रभु, बग्गम अगम को मुसीबत में देखकर गुस्से में क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। अगम और बग्गम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। मेरे मुर्गे।
गोलियों का पीछा कब छोड़ोगे? भागो! फिर जाओ शैतानों, रुको! वाह, सब्जियां देखकर मुंह में पानी आ गया मित्र। तो सोच क्या रहे हो? आराम करो। अब तुम अपना कार्य आरंभ करो। अगम और बगम अपनी शक्तियों के साथ बड़े प्यार से जीवन जी रहे थे, किंतु उनके माता पिता के बीच महादेव के बड़े भक्त होने की होड़ लग गई और दोनों परिवार एक दूसरे के शत्रु हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के माता पिता ने उन निष्पाप बाल मन में एक दूसरे के प्रति विष भर दिया। बोलो, रहोगे ना उससे दूर? जी पिताजी। चेतावनी है तुम्हें, आज के बाद तुम बग्गम से नहीं मिलोगे। जी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बग्गम। मैं संध्या काल में मैदान में आऊंगा, तुम मिलोगे ना मुझे वहाँ? तुम्हारे पिताजी ने सही नहीं किया अग्गम, वो मेरे पिता से बड़े महादेव भक्त नहीं हैं। हमें अब नहीं मिलना चाहिए बग्गम। इसी बीच असुरों की सेना ने गांव पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया, फिर क्या हुआ प्रभु? चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। मेरे समीप मत आना, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। बग्गम सुनो, मुझे बचाना चाहते हो? क्यों अग्गम? क्योंकि तुम मेरे अपने हो। Oh!
अगम, अगम तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगम तुम ठीक हो ना? घायल अगम को बग्गम वैतराज के पास ले गया, जहां पूरे एक मास तक अगम का इलाज हुआ। और उस एक मास में बग्गम ने दिन रात अगम की सेवा की, उसकी कही हर बात का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वो अगम की नई भाषा सीख गया। मुझे क्षमा कर दो अगम, मेरी वजह से तुम्हारी जीवा को। और इस प्रकार अगम का निस्वार्थ प्रेम भाव देखकर बग्गम आत्मिक रूप से उसके साथ जुड़ गया। और तभी से अगम को मुसीबत में देखकर वो क्रोध में आ जाता है। उन दोनों की दुखद कहानी सुनने के उपरांत हम आत्मग्लानी हो रहे हैं प्रभु। ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है मूषक, मित्रों के हास परिहास मित्रता को बल प्रदान करता है। आप सही कह रहे हैं प्रभु, किंतु हमें अगम बग्गम से अपने व्यवहार की क्षमा मांगनी होगी, तभी हमें हमारी आत्मग्लानी से मुक्ति मिलेगी प्रभु। लो आ गए वो दोनों, मांग लो क्षमा। अगम रुक जा, वो नंदी को गुस्सा दिला रहा है, तुझे पता है ना, अगर उसे गुस्सा आ गया तो। शांत हो जाओ नंदी, शांत। आज बड़ा मजा आया, चलो अब नहाते हैं। परंतु प्रभु, तालाब का पानी तो ठंडा होगा ना? तो क्या हुआ, ठंडे पानी में तो और भी मजा आएगा। परंतु मैं तो एकदम साफ हूँ। अगम बिल्कुल सही, अब तो मूषक महाराज को नहाना ही पड़ेगा। Yeah!
प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? प्रभु मूषक को तैरना नहीं आता ना, इसीलिए यहाँ से निकलने की युक्ति ढूंढ रहा है। प्रभु मत्स्यासुर नदी है, इसे दूषित करके तूने घोर अपराध किया है। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बालक शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझ में कितनी असीम शक्तियाँ हैं। मैं तो तुम्हें एक पल में ही मार सकता हूँ। मैं यहाँ से जाने को नहीं परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा होता। मत्स्यासुर! अरे बालक तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। मूषक तुम्हारे जैसा मित्र और बाल गणेश के खास चहीते को शत शत प्रणाम। ये जानते हुए कि तुम्हें तैरना नहीं आता फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए तुमने पानी में छलांग लगाई। चिंता मत करो मूषक। परंतु माँ आपने उसे नहीं देखा, वो राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा तो क्या हमारा गणेश कम है? वो भी तो शक्तिशाली है। Thank you.
कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, तो इतने समय तक पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था। बाल गणेश, माँ आपने मुझे मोदक खिलाने के लिए बुलाया है ना? मोदक खिलाने के लिए नहीं, काम के लिए बुलाया है। ये लो, ये सामान अपने पिताजी के पास जाकर रख दो। पर माँ, इस समय तो पिताजी कैलाश पर हैं, वहाँ जाऊँगा तो मेरा खेल रुक जाएगा। बाल गणेश, इस समय तुम्हारे पिता ध्यान कर रहे हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा यदि ध्यान से उठने के उपरांत उन्हें स्नान के लिए फूलों की सुगंध और अंगोछा ना मिला तो? आप ठीक कह रही हैं माँ, पहले माता पिता की सेवा, तात पश्चात काम दूजा। चलो मूषक महाराज, कैलाश चले। और तेज मूषक महाराज, और तेज। मूषक जी, हम कैलाश पहुंच गए हैं। कौन है? तुम ये पकड़ो और ये मुझे दो। प्रभु बाल गणेश, प्रभु आपको ऐसे लुढ़काने की चेष्टा किसने की? बताइए मुझे, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। ये सब तुमने ही किया है नंदी महाराज। मैंने? किंतु मैं कैसे? ये अपराध तो आपसे ही हुआ है नंदी महाराज। चलो अब बिना कोई क्षण गवाए अपना वचन पूरा करो, आप अपना सर फोड़िए। यदि ये अपराध मैंने किया है तो मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। मैं अभी उस चट्टान पे अपना सर फोड़ लेता हूँ। अरे रुको नंदी महाराज, उस चट्टान के जगह तुम उस वृक्ष पर भी टक्कर मार दोगे तो भी तुम्हारा वचन रह जाएगा। जो आज्ञा प्रभु की। अगम, सही कहा तुमने, ये तो मार ही डालेगा। अरे कोई इसे रोको, नंदी रुक जाओ। कहो मूषक महाराज, इस शरारत में मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया प्रभु। नंदी, ये सामान तुम जल्दी से पिताजी के पास ले जाकर रख दो। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। प्रभु बाल गणेश, हम महादेव से मिलने आए हैं। पिताजी तो इस समय ध्यान मग्न है मुनिवर। तो उन्हें जगाइए बाल गणेश, हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। क्या मैं आपकी आवश्यकता का कारण जान सकता हूँ मुनिवर?
सच्चा दुष्भावी, अब तेरी मृत्यु का समय आ गया है। प्रसर ऋषि, मुझसे लड़ने की तेरी इच्छा शक्ति की प्रशंसा करता हूँ, इसलिए जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु ये जीवन दान केवल कल तक का है, कल मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। यदि हमने समय रहते सिंदूर असुर को ना रोका बाल गणेश, तो समस्त मानव जाति के लिए काल बन जाएगा। मेरे ख्याल से इतने छोटे से कार्य के लिए आपको पिताजी का ध्यान भंग करने की आवश्यकता नहीं है मुनिवर। आपके दुष्ट सिंदूर असुर को तो मैं ही देख लेता हूँ। परंतु प्रभु, आप तो अभी बालक हैं और वो शरीर के अनुपात से बाल की तुलना मत कीजिए मुनिवर। चींटी छोटी होती है, परंतु वो हाथी के सूंड में घुसकर उसे पछाड़ने की शक्ति रखती है। क्या तुम सब तैयार हो? जी प्रभु। जी प्रभु। तो चलो। दोबारा ये गलती मत करना। निर्दोष प्राणियों और ऋषि मुनियों को मार कर अपने आप को शूरवीर समझने वाले सिंदूर असुर, मैं तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। बाहर आओ सिंदूर असुर। किसकी मृत्यु आई है जो मेरे ही द्वार पर मुझे ललकार रहा है? हिम्मत है तो बाहर आ सिंदूर असुर। किसकी मृत्यु आई है जो मुझे ललकार रहा है? सामने आओ। सामने ही तो खड़ा हूँ सिंदूर असुर, नीचे तो देखो। तुम मुझे मारोगे बालक? नहीं सिंदूर असुर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारा अहंकार तुम्हें मारेगा। लगता है इस राक्षस की मति भ्रष्ट हो गई है। परंतु तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भृंगी? क्योंकि मेरे पास बुद्धि है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा धन्यवाद सिंदूर असुर, तुम्हारे इस हंसने की कला ने मेरा भरपूर मनोरंजन किया है। सिंदूर असुर, जो मौत का दूसरा नाम है, वो तुम्हें मनोरंजन का साधन लगता है? निसंदेह। अब बातों में समय व्यर्थ मत गवाओ सिंदूर असुर। यदि तुम वचन देते हो कि आज के उपरांत तुम किसी भी ऋषि मुनियों और मनुष्यों को नहीं सताओगे, तो मैं महादेव पार्वती पुत्र बाल गणेश तुम्हें छोड़ दूंगा। तो तुम हो महादेव पुत्र बाल गणेश? तो ठीक है, मैं व्यर्थ में समय नहीं गवाता और तुम्हें अभी पकड़ कर मसल देता हूँ। मसलने की इच्छा पाल रहे हो? पहले पकड़ के तो दिखाओ। ओम ह्रीम क्रीम श्रीम कदा भट स्वाहा। भट स्वाहा।
देखता हूँ तुम कैसे बचते हो बाल गणेश। आपके पराक्रम पर शंका करने के लिए हमें क्षमा करें प्रभु बाल गणेश। शंका छोड़िए मुनिवर, आपके चक्कर में मैं और नंदी जी पिताजी को अंगोछा और फूलों के सुगंध देना भूल गए। इससे पहले कि वो ध्यान से उठे मुझे ये दोनों चीजें वहाँ रखनी होंगी। मैं जाता हूँ, प्रणाम। बाल गणेश की जय।